क्या WWE ने रिलीज कर दिया है बॉबी लैशली एंड उनके साथ दो बिग सुपरस्टार्स को? प्लस में क्या कोडी रोड्स होने वाले हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ USA? इसके अलावा अंडरटेकर, कल होने वाली मंडे नाइट रो एंड और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स के बारे में। तो USA में जल्द ही बिग इलेक्शंस होने वाले हैं एंड जो बिडन जो करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो इस रेस से बाहर हैं। एंड एक ट्विटर यूजर ने कोडी रोड्स को कहा कि अब तुम्हारा टाइम है इस इलेक्शन में खड़े होने का, जिस पे कोडी रोड्स ने रिप्लाई करते हुए लिखा मे बी वन डे। तो इट मीन्स कि कोडी रोड्स की दिलचस्पी है पॉलिटिक्स में, तो हो सकता है कि आज से काफ़ी ईयर्स बाद हमें कोडी रोड्स पॉलिटिक्स में भी दिखें। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है ऑल माइटी बॉबी लैशली को लेके। तो WWE ने बॉबी लैशली और उनके साथ साथ MVP एंड टमीना को रिमूव कर दिया है WWE इंटरनल रोस्टर से। एंड इस रोस्टर पे वो लोग होते हैं जिनके लिए WWE के पास प्लान्स होते हैं, एंड इन तीनों का वहाँ से रिमूव होना इस बात को दर्शाता है कि WWE के पास इनके लिए कोई प्लान्स नहीं है। एंड इस पे MVP ने भी सिंपली इस इमोजी के साथ रिएक्ट किया है। एंड बिग ई ने तो बॉबी लैशली के लिए स्पेशल ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा ए मॉन्स्टर, ए स्पेसिमैन, ए प्रोफेशनल, ए जेंटलमैन। एंड हमें अपडेट मिली है कि WWE और बॉबी लैशली का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला है। एंड ये सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि बॉबी लैशली, MVP एंड टमीना ये तीन बहुत जल्द WWE लीव करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड चीज़ है क्योंकि स्पेशली बॉबी लैशली जो इतने कमाल के रेसलर हैं। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है अंडरटेकर को लेके। तो आपको याद होगा अंडरटेकर का अमेरिकन बैडएस वाला पर्सोना, तो इसको लेके अंडरटेकर ने एक अंदर की बात बताई है। अंडरटेकर ने बताया कि जब सिर्फ बात चल रही थी अमेरिकन बैडएस गिमिक को लेके, तो वो काफ़ी ज़्यादा फियर्ड थे इस गिमिक को पिच करने से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि विंस मैकमैन इस आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कहना था अंडरटेकर का अपने अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक के ऊपर। एंड थैंक गॉड कि विंस मैकमैन ने तब इस गिमिक को अप्रूव किया था, तभी हमें और भी ज़्यादा एपिक मोमेंट्स देखने को मिले। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है ट्रिश स्ट्रैटस को लेके। तो ट्रिश स्ट्रैटस का 2023 वाला WWE रन तो आपको याद ही होगा, तो इसके बारे में ट्रिश स्ट्रैटस ने खुलासा किया है कि बैकी लिंच ही वो इंसान थी जिन्होंने उनके 2023 वाले रिटर्न रन के आइडिया को पिच किया था। एंड अच्छा हुआ कि उन्होंने इस आइडिया को पिच किया, तभी हमें ट्रिश स्ट्रैटस का एक और अच्छा WWE रन देखने को मिला था। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट है जॉन सिना वर्सेस RVD को लेके। तो अभी 2025 में हमें जॉन सिना का फाइनल रन देखने को मिलेगा WWE में एज रेसलर। एंड WWE लेजेंड RVD ने कहा है कि वो एक और मैच रेसल करना पसंद करेंगे अगेंस्ट जॉन सिना। तो इससे RVD ने इच्छा जताई है जॉन सिना के साथ एक और मैच रेसल करने की, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट स्टिल नेवर से नेवर। बाय द वे, क्या आप देखना चाहोगे ये मैच वन मोर टाइम? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है कल होने वाली मंडे नाइट रो को लेके। तो WWE ने 3 थिंग्स अनाउंस कर दी हैं कल शो के लिए, जहाँ पे होगा द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का रिटर्न। एंड देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं मैकेंटायर एंड रोलिंस के ऊपर। इसके अलावा 2 मैचेस भी अनाउंस्ड हैं, लायरा वल्कायरिया वर्सेस सोनिया डेविल सिंगल्स मैच, एंड एक 6-मैन टैग टीम मैच भी होगा जहां पे एक तरफ होंगे ओटिस, एक्सेवियर वुड्स एंड अकीरा तोजावा, एंड दूसरी तरफ होंगे द फाइनल टेस्टामेंट। तो कल होने वाला शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।